हमारी संस्कृति में प्रार्थना का बहुत महत्व है। क्या हम ये जानते हैं कि भगवान से प्रार्थना कैसी करनी चाहिए? आइए जानते हैं पूज्य गुरुदेव स्वामी अवधेशानंद गिरिजी महाराज से। इसलिए कभी कभी साधक ऐसा भी कहे अपनी प्रार्थनाओं में कि हे परमात्मा, तेरी कृपा से मैं वंचित नहीं हूँ, तेरी कृपा हर जीव पर बराबर है, पर मेरी प्रार्थनाएं इसलिए नहीं है कि तू मुझ पर कृपा करे, मेरी प्रार्थना इसलिए है कि तेरी कृपा मेरा अनुभव बन जाए, तेरी कृपा मेरा अनुभव बने, मेरी मान्यता तो है कि तू कृपालु है, मैंने सुना है, शास्त्र कहते हैं, संत कहते हैं, प्रत्येक सिद्धांत यही कहता है, तो एक आध्यात्मिक मान्यता है हमारी ये कि भगवान दयालु हैं, कृपालु हैं, समदृष्टा हैं, निरंतर आसपास हैं, उनसे हम कहीं विलग नहीं, इष्ट की अत्यंत निकटता हमारे पास है, ईश्वर से एक पल भी हम कभी दूर नहीं, ये दैवीय मान्यताएं हमारी अनुभव नहीं है ना। मान्यता में अनुभव में अंतर है, तो ये हमारे भीतर की मान्यता है, स्वीकृति है, ये बड़ी गहरी हमारी एक आस्था है, ये हमारा बड़ा विश्वास है, तो विश्वास में, आस्था में, मान्यता में, स्वीकृति में, धारणा में बड़ा अंतर है, एक अंतर है अनुभव। तो ईश्वर की कृपा हमारा अनुभव बने, मान्यता तो है, तो वे कौन से साधन हैं जिनसे ईश्वर की कृपा अनुभव बनती है और परिपूर्णता का, आनंद का, संपन्नता, स्वास्थ्य और सौंदर्य का, सिद्धि और समाधान का अनुभव बनता है। बहुत साधनों के आ जाने से कोई समाधान हो जाएगा, सिद्धि का अनुभव होगा, संपन्नता का अनुभव होगा, बहुत को गोरा रंग मिल जाए तो हम कहीं सुंदरता का अनुभव करेंगे, ये बात नहीं है। सुंदरता, सौंदर्य, संतुष्टि, पुष्टि, तृप्ति, पूर्णता, परिपूर्णता, आनंद, ये अनुभव बने हमारे।